ट्रेलर देखा था इस फिल्म का, कुछ कुछ फिल्मों का ट्रेलर देख के आपको ऐसे लगता है कि येस यू नो दिस इज गोइंग टू सर्व द पर्पज, जो जो दिखाई दे रहा है वही होने वाला है फिल्म में, एंड आई एम सो ग्लैड कि वैसा ही है. इट्स एन आउट एंड आउट यू नो कीपिंग यू एट द एज ऑफ द सीट काइंड ऑफ अ फिल्म, और मुझे बहुत मजा आ रहा है. आई लव द रॉ अपील, आई लव द अर्दीनेस दैट इट हैज. सो यू आर विशिंग द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट. या सॉरी सोहम की, सोहम आई थिंक इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, एंड आई डोंट नो यार, एक तो वो इतना कैरेक्टर, ही लुक्स द कैरेक्टर, आई थिंक इट इज वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ द फिल्म. सो यार दैट्स इट. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं राही अनिल बर्वे, वो मराठी हैं, तो फिल्म में जो डायरेक्टर होता है उसकी एक छाप होती है, उनके नुआंसेज होते हैं, तो मराठी कल्चर के नुआंसेज हैं, तो उनकी और हमारी बड़ी दिल से चाहत थी कि मराठी इंडस्ट्री के लिए हम एक स्क्रीनिंग रखें, तो आज हमने वो रखी है और लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. मुझे बहुत प्रिपरेशन करना पड़ा यार, 6 साल लग गए, कि मैं उस कल्चर से हूँ नहीं जहाँ बॉडी बनाने का मुझे कुछ खास शौक है नहीं, तो इस रोल के लिए मुझे बॉडी बनानी पड़ी. राही बहुत पर्टिकुलर थे, मुझे लेंस लगाते थे, बहुत पेन होता था, मुझे रॉक क्लाइंबिंग करवाते थे, बारिश में शूट करवाते थे, फिर कंटिन्यूटी मैच करने के लिए फिर सुखाते थे, फिर किला करते थे. मराठी एक्सेंट सीखी है मैंने, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, मतलब गंगानगर से हूँ जो हरियाणा के पास है, तो मेरी एक्सेंट बहुत ही हरियाणवी थी, तो उसके लिए मैंने मराठी एक्सेंट सीखे, बहुत काम किए हैं मैंने यार, पर फाइनली मैं खुश हूँ कि यार सारी मेहनत जो है वर्थ इट थी. मतलब प्रिपरेशन तो यही है कि यार कैरेक्टर की साइकोलॉजी पकड़ो और उसको पकड़ के रखो. प्रिपरेशन तो ठीक है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत एक तो ये थी कि रोल जो था उस 6 साल चली है फिल्म, तो बीच में मैं दूसरी फिल्में कर रहा था, ये तलवार सिमरन, तो उनके लिए लुक चेंज करना पड़ता था कहीं ना कहीं. और सेकंड बात ये भी थी कि वो जो कैरेक्टर की साइकोलॉजी पकड़ के रखना 6 साल, वो बहुत मुश्किल होता है, कि आप एज एन एक्टर एक्टर कैरेक्टर में घुसते हो और 2 महीने बाद बाहर निकल जाओ, वो सबसे बेस्ट होता है. 6 साल एक कैरेक्टर को पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल होता है. जी जी, मैं मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे, 4 स्टार मिल जाए आपकी फिल्म को, आपने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई हो, तो और आपको क्या चाहिए. मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ देखिए तुम्बाड़, ऐसा कुछ आपने देखा नहीं होगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, ये मतलब अद्भुत रस वाली फिल्म है. ये फिल्म मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलती है, कभी आपको लगे कि हॉरर है, कभी लगे कि थ्रिलर है, कभी लगे कि फैंटेसी है, और सच में मैड राइड है. मैं बता रहा हूँ आपको कि आप तुम्बाड़ में चले तो जाएंगे, और जब तुम्बाड़ फिल्म ख़त्म होगी तो आपका शरीर तो वापस आ जाएगा, पर आपकी रूह जो है वो 2-3 दिन के बाद वापस आएगी. थैंक यू.